दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा ईवो 275 DI। देख सकते हो इसका जो है बैरिंग टूट चुका है, बैरिंग पूरा जो टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, बैरिंग निकाल के फेंक दिया हूँ। इसका देख सकते हो बैरिंग, टैक्सपिन का बैरिंग लेके आया हूँ मार्केट से। उठा उसको, देख सकते बैरिंग है 1458 रुपये है इसका MRP, 6312 के नाम से है। देख सकते हो ये इसका बैरिंग है, टैक्सपिन का नाम से है। ओरिजिनल में भी टैक्सपिन का बैरिंग आता है। देखो 6312 और आयल सील का दिखाओ। देख सकते हो ये आयल सील, बड़ा आयल सील इसका, इस तरीके का रहता है आयल सील। देख सकते हो इसका आयल सील का पार्ट नंबर 0065116731, 991 रुपये इसका रेट है। और इसका छोटा एल सील, जैसे उसको छोटा एल सील इस तरीके का रहता है 59885010 एल सील का नंबर इसका दिखाओ। जैसे उसको छोटा जो एल सील है, एल सील का पार्ट नंबर है 00651617 2V1 पार्ट नंबर। ये छोटा का एल सील का जो पार्ट नंबर है ये है। अब इसको फिटिंग करेंगे, किस तरीके से फिटिंग करेंगे उसको दिखाएंगे आपको। पहले जो एल सील को जिस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है, इस तरीके से आप सेट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। सबसे पहले एक कॉलर को इस तरीके से आपको सेट करना है, ऐसे ही सेट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आपको कॉलर को जो है सेटिंग कर लेना है। उसके बाद जो आयल सील को इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। अभी इसको दबा देने से ही जो आयल सील है अंदर में चला जाएगा। देख सकते हो आयल सील को इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। देख सकते हो अंदर में दिखा थोड़ा, इस तरीके से आयल सील को जो है पहले सेटिंग कर लेना है। उसके बाद बैरिंग देख सकते हो, बैरिंग कुछ इस तरीके से ग्रीस लगा के सेट करके उसके बाद जो हाउसिंग है, हाउसिंग को ऊपर से बैठा छगर इस तरीके से सेटिंग कर लेना है ऊपर से हाउसिंग बैठा के। देख सकते हो ऊपर से कॉलर को इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। ऊपर का जो बैरिंग का नंबर है 212 है, बैरिंग का नंबर 212, पार्ट नंबर ही है इसका जो बैरिंग का। और एक्सल जो नंबर है ऊपर उस तरफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जो पार्ट नंबर है MG212 करके है लिखा हुआ। अभी ऊपर का जो गियर है, गियर को सेट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर एक लॉक है, तो लॉक और ऊपर में भी लॉक है, लॉक देख के और सिम्स है ऊपर में, कुछ सिम्स को देख के आपको सेट करना है। इस तरीके का सीन यहाँ पर रख के आपको ऊपर का जो गियर है इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट का बोल्ट 19 नंबर का, ऊपर का 19 नंबर का है लेकिन 24 नंबर का बोल्ट है, इस तरीके से टाइट कर सकते हो। जैसे बोल्ट को टाइट कर लिया हूँ, अभी लॉक इस तरीके का लॉक आपको अंदर में सेटिंग कर देना है। देख सकते हो इसका कैरियर यूनिट सेट कर लिया हूँ, लॉक भी थोड़ा अंदर में दिखाओ, लॉक भी सेट कर लिया हूँ अच्छे से। देखो तो लॉक भी अच्छे से सेट कर लिया हूँ, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। उसके बाद इसके ऊपर देख सकते हो काला वाला है बोरिंग, इस तरीके का दो ठो रहता है, एक ठो हाउसिंग के साथ बॉडी के साथ, एक हाउसिंग के साथ, इस तरीके से आपको जो है सेटिंग कर लेना है। देखो तो एक्सेल को कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग करके एनामोल चिपका के अभी जो हाउसिंग को गाड़ी के साथ जोड़ दो। चलो पकड़ो, टाइट कर सकते हो, पूरा जो हाउसिंग सही हो चुका है। देख सकते हो पूरी अच्छे से सेट कर लिया हूँ। अभी जो इसका जो मारगार्ड है और टायर है, टायर सेट करके उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से जो बैरिंग लगा के चेक करके कस्टमर को दे दूंगा गाड़ी। पहले अभी मडगार्ड को उठा लेते हैं ऊपर में, देख सकते हो मालिक है दोनों। हालांकि पूरा गाड़ी जो है बन के कम्प्लीट हो चुका है, अभी गाड़ी स्टार्ट करके चला के दिखाता हूँ आपको।
चलो सेट करो। और एक दोस्त कमेंट किया था जो स्पेशल टूल्स के बारे में बताओ, जॉनडियर का जो फिंगर का सेटिंग है उसके बारे में बताने के लिए बोला था। जैसे ही गाड़ी आ जाएगा उसका जो स्पेशल टूल्स है आपको दिखा दूंगा किस तरीके से जो मैं टूल्स से जो है एक फिंगर को सेट करता हूँ, पीटीओ का क्लास का दोनों के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा अच्छे से, और कैसे जो स्पेशल टूल्स बनाना है वो भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से जो आप बना के सेट कर सकते हो। तो स्टार्ट हो चुका है गाड़ी। ए पत्थर है ना पत्थर, बहुत रात हो चुका है।